हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल जिसका नाम है फूड अपडेट्स पर बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाना उससे भी आसान। तो चलिए बनाते हैं यम्मी एंड डिलीशियस गाजर का हलवा। क्या आपको पता है गाजर पर्पल, वाइट, येलो कलर की भी होती है, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती है। हमारे इंडिया में ये रेड और ऑरेंज कलर की मिलती है। ऑरेंज कलर की गाजर जो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलती है, और विंटर्स में लाल गाजर आपने मार्केट में ज़्यादा देखा होगा। लाल गाजर ज़्यादा जूसी और स्वीट होती है कंपैरेटिव टू ऑरेंज वाली गाजर। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाल गाजर का हलवा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। लाल गाजर 1 kg, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, घी 3 से 4 tablespoons, दूध 500 ml, चीनी 200 g, और एज पर योर टेस्ट इलायची पाउडर 1 teaspoon, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने बादाम 15 से 20 चॉप्ड और काजू 15 से 20 चॉप्ड लिया है। इसमें आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई हीट हो जाने पर 3 to 4 tablespoons घी डालेंगे। ग्रेटेड गाजर जो मैंने 1 kg लिया है वो डालेंगे। गाजर को लो मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट फ्राई करेंगे, तब तक जब तक ये घी ना छोड़े। फिर 1 teaspoon इलायची पाउडर डालेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। आप दूध डालने के पहले गाजर को जितने अच्छे से भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। जब घी अलग से दिखने लगे तो इस टाइम 500 ml दूध डालेंगे। आप कम दूध भी डाल सकते हैं, पर अगर गाजर की क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में दूध लेते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। दूध डालने के बाद ढककर 20 से 25 मिनट पकने देंगे और बीच बीच में ओकेजनली चलाते रहेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद 200 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बिना ढक्कन बंद किए 10 से 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे और ये लीजिए, बन गया टेस्टी लाल गाजर का हलवा। इसे आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फ्रिज में आप इसे 1 week स्टोर करके भी रख सकते हैं और पूरे वीक एज अ डेजर्ट आफ्टर लंच या डिनर, या आपका जब मन करे कुछ मीठा बट हेल्दी खाने का तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।